MDM लॉक का मतलब ये होता है कि जो यूज़र है वो मशीन का ऑनर नहीं है। हाय फ्रेंड्स, हमारे पास मैकबुक प्रो है, ये 2019 का मॉडल है, इसमें MDM लगा हुआ है। ये मॉडल है 82179, ठीक है, और आप देख लो कि इसमें MDM लॉक लगा हुआ है। एक्चुअली मैं आपको ये टेक्नोलॉजी एक्सचेंज करने के लिए बता रहा हूँ, ना कि कुछ इसका मिसयूज़ करने के लिए। जब इसका MDM लॉक का मतलब ये होता है कि जो यूज़र है वो मशीन का ऑनर नहीं है। मतलब बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं कि वो बल्क में मैकबुक ख़रीदती हैं और वो अपने एम्प्लॉइज़ को यूज़ करने के लिए देती हैं, और उनको बाद में जॉब के बाद या कैसे भी जब उनको मशीन वापस चाहिए होता है कंपनी को, तो अगर यूज़र वो मशीन या जो ये मैकबुक है रिटर्न नहीं देता है तो कंपनी इसको लॉक कर देती है। तो हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि ये कैसे अनलॉक होता है। बहुत लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल है या T2 करना पड़ता है, बट ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसके सिक्योरिटी एरिया को बाईपास भी कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, लेकिन इसका आप मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई इसका मिसयूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, खाली आप इसको देखिए और समझिए। एक्चुअली में इससे 3-4 चीज़ें और भी सॉल्व होती हैं, जैसे नो डिस्प्ले हो गया या कीबोर्ड माउस वर्क नहीं कर रहा है, ट्रैक पैड वर्क नहीं कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी जो होती हैं ये बायोस से ही रिलेटेड होती हैं। बट ये जो MDM लॉक हो गया या EFI लॉक हो गया, ये बायोस के अंदर एक सिक्योरिटी एरिया होता है पर्टिकुलर, उसको डिलीट करके हमें इसको करना होता है, ठीक है। तो ये एक टेक्नोलॉजी एक्सचेंज वीडियो है, और आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे होगा। इसके लिए हमें इसको ओपन करना पड़ेगा, तो चलिए देखते हैं। तो सारे स्क्रूज़ एकदम ध्यान से आपने ओपन करने हैं, बिकॉज कहीं पे बड़े स्क्रू लगते हैं तो कहीं छोटे स्क्रू लगते हैं, और बहुत केयरफुली, लॉक बहुत हाई होता है तो थोड़ा केयरफुली ओपन कीजिए इसको। ये देखिए, आप T2 चिप लगा हुआ है इसमें, और ये इसका बायोस है। आप इसको इसका SOC रोम भी बोल सकते हो, SOC रोम भी बोला जाता है। और इसकी पिन नंबर 1 का ध्यान रखिएगा कि पिन नंबर 1 इसका टारगेट पॉइंट किस तरफ है, और हम इसको निकाल रहे हैं। निकालने का जो टेम्परेचर है 450 है हीट, और ब्लो जो एयर है वो 40 का या 50 का एयर रखा हुआ है। ये निकाल लिया है, और अब हम इसको जो है प्रोग्राम करने के लिए UFIX बॉक्स का यूज़ करेंगे। और क्लीनिंग का बहुत ध्यान दीजिए आप, ये मैंने क्लीन कर दिया है, और पिन नंबर 1 का जैसे निकाला था ऐसे ही करना है। आइए अब इसको थोड़ा क्लीन करके, क्योंकि अगर गंदा लगाएंगे आप तो वो डिटेक्ट नहीं करेगा। आइए UFIX बॉक्स पे चलते हैं हम लोग और देखते हैं कैसे होता है प्रोग्रामिंग। तो जैसा आप लोग देख रहे हो ना, ये हमारा बायोस है, और इसका पिन नंबर 1 थोड़ा ध्यान रखना है, तो जस्ट इस पर ऐसे रखना है, आपको सेट करना है अच्छे से। पिन नंबर 1 इधर ही होना चाहिए, ये देखो डॉट बना है ना इधर ही। अब आपको इसको खाली लॉक कर देना है। देखिए यहाँ पे T2 और M1 का बायोस इसी में होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे स्मार्ट आइडेंटिफिकेशन लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, तो इस पर ही क्लिक करोगे तो पता चलेगा आपका डिटेक्ट हुआ कि नहीं। तो हमारा जो रोम है वो डिटेक्ट हो चुका है, ओके। अभी हम क्या करेंगे, जो हमें इसका फाइल राइट करनी है वो फाइल राइट करेंगे। तो ओपन फाइल में गए और सीधा नीचे आ गए हम लोग। T2 ओरिजिनल डाटा लिखा है, इस पर ओके कर देना है। फिर आपने आना है, हमारा जो मॉडल है 2179 जो है वो हमारा मॉडल नंबर है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो फाइल है वो यहाँ सिलेक्ट होके आ जाएगी। अगर आपने गलत फाइल सिलेक्ट कर ली हो तो आप रीसेट पे आके रीसेट कर दोगे तो रीसेट हो जाएगा, वो फाइल चला जाएगा, या तो आप डायरेक्ट स्विच ऑफ भी कर सकते हो। तो अब कुछ नहीं करना है, ऑटो प्रोग्राम पे आके ओके दे देना है। अब स्टार्ट हो गया प्रोग्रामिंग इसका। एक्चुअली मैं इसमें एक रजिस्टर भी मॉडिफाई करना पड़ता है, मैं उसकी फ़ोटो आपको आगे दिखाता हूँ कि वो कैसे मॉडिफाई होता है। क्योंकि ये 2020 का है मैकबुक एयर, तो T2 की सिक्योरिटी है, बायोस तो करना ही पड़ता है इसमें, बट एक रजिस्टर भी मॉडिफाई करना पड़ता है। उसकी लोकेशन और वो फ़ोटो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, स्क्रीन पर आएगा थोड़ी देर में, पहले ये प्रोग्राम हो जाए। प्रोग्राम होने के बाद फिर हम इसको वापस बोर्ड पर लगाएंगे, तो उसके बाद वो रजिस्टर कैसे मॉडिफाई होगा वो मैं आपको बताऊंगा। अब प्रोग्राम राइट हो रहा है, पहले इरेज हुआ था, अब राइटिंग हो रहा है, ठीक है।
जैसे प्रोग्राम पूरा होगा यहाँ डन लिखा हुआ है और बहुत जोर से इसने बीप का आवाज़ किया। अब इस बॉक्स का काम खत्म हो गया, लेकिन अभी भी इसमें एक रजिस्टर मॉडिफाई करना है, विदाउट उसके तो आपका ये बॉक्स भी कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये हमारा बायोस है, अब हम इसको लगाते हैं बोर्ड पे। तो अब हम बायोस को लगाएंगे और इधर भी आपको पिन नंबर 1 का पूरा ख्याल रखना है। अगर आपका पिन नंबर 1 का आप ख्याल नहीं रखोगे तो आपका शॉर्ट दिखाएगा। ठीक है, और बायोस की लोकेशन कैसे ढूंढते हैं इसको मैंने अपने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, तो आप वो वीडियो देख लीजिए, उससे पता चल जाएगा कि बायोस की लोकेशन आप कैसे ढूंढ सकते हो। ओके, बायोस लगाने के लिए आपको पिन नंबर 1 का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और हमने इसका है ना टेम्परेचर रिप्लेस कर दिया। टेम्परेचर रिप्लेस करने का मतलब ये होता है कि जो हमने बायोस निकाला था इसके बाद हमने इसको मतलब वन टाइप ऑफ ये समझ लो कि हमने आईसी रिवॉल्व करी है, तो अब बहुत इजी में लग जाएगी। जो पहले टेम्परेचर था वो ज़्यादा टेम्परेचर लेके बायोस निकला था, बट अब बहुत इजी में आईसी जो है वो लग जाएगी। और ये बायोस जब भी आप प्रोग्राम कर देंगे तो आपका सिस्टम DFU मोड में ऑटोमेटिक जाएगा और इसको आपको रिस्टोर करना ही पड़ेगा PC to PC। तो मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा प्रोसेस ही दिखाएंगे। एक्चुअली मैं इसमें एक रजिस्टर भी हमने मॉडिफाई किया हुआ है, एक रजिस्टर का लोकेशन चेंज करना पड़ता है, उसकी मैं फ़ोटो आपको बीच में या लास्ट में मैं आपको दिखाता हूँ कि उसकी फ़ोटो कैसी है, रजिस्टर कैसे मॉडिफाई होता है। और हम अब इसको फिटिंग कर रहे हैं, फिटिंग करके ये देखते हैं कि ये कैसे रिस्टोर होगा और क्या प्रोसेस होगी। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे फ्लैश होगा। ये वो मैकबुक है जिसका हमने बायोस जिसका हमने प्रोग्राम किया, तो 82179 मॉडल है ये। अभी क्या, जब आप इसका बायोस प्रोग्राम कर दोगे तो आपको इसको रिस्टोर या रिवाइव करना पड़ेगा। इसके लिए हमें एक और पीसी चाहिए, यानी कि कुल मिला के हमें 2 चाहिए, जो लॉक है और एक जो जिससे इसको हम रिवाइव करेंगे। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है एप्पल कन्फिगेटर करके, जैसे ही इस पर आप क्लिक करोगे ऐसे कुछ खुल जाएगा। तो अभी बोल रहा है कोई डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, अब हम केबल लगाएंगे। अब जैसे ही हमने केबल लगाया, हमने कोई की फ्रेस नहीं की है। जो लोग बोलते हैं कि DFU में डालना पड़ता है सारा, गलत बोलते हैं, ऐसा नहीं होता है। डायरेक्ट बायोस प्रोग्राम करते ही आपकी मशीन DFU में ही आ जाएगी। अब आपको इसको रिवाइव देना है, सॉरी रिस्टोर देना है। अगर हमारा सारा काम सही है तो रिस्टोर हो जाएगा, अगर हमारे काम में कोई भी प्रॉब्लम है या बायोस में प्रोग्रामिंग कोई प्रॉब्लम है तो वो रिस्टोर नहीं होगा। तो ये रिस्टोर हो रहा है, अगर हमारे काम में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो एरर आ जाएगी। देखिए ये रिस्टोर हो रहा है और उस साइड एप्पल लोगो आ गया है। ठीक है, और ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, इसको टाइम लगता है। एप्पल देखो यहाँ पे लॉक सिंबल आ गया, मतलब कि अभी ये OS करना पड़ेगा। एक्चुअली में हम चाहें तो पेन ड्राइव से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिफ़र करूँगा कि आप सर्वर के थ्रू ही करो, पेन ड्राइव के थ्रू मत करो, एरर्स आती हैं बार बार और फेल होता है। पास भी होता है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, लेकिन वो लेटेस्ट वर्जन भी नहीं आएगा। और अगर आप सर्वर के थ्रू करोगे तो अगर आपका लॉक हो रहा है फिर से तो आपको पता भी चल सकता है कि हाँ लॉक हो रहा है। अभी हम इसको रिकवरी मोड में डाल रहे हैं, इसके लिए हमने कमांड R दबाया है और आप देखो इसमें अर्थ का ग्लोब आ गया है। ओके, अब यहाँ पर हम वाईफाई कनेक्ट करेंगे और वाईफाई कनेक्ट करके ये OS अपना जो है वो डाउनलोड करेगा और उसके बाद फिर ये ऑटोमेटिक ही पूरा जो इसका OS है वो इस पर इंस्टॉल होगा और हमें फिर उसके बाद इसको सेटअप करना पड़ेगा। जैसे देखो ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, तो मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोग देखते हो वीडियो, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी ऐसे गेन होता है या और भी हमारे चैनल से बहुत सारी वीडियोज़ हैं, तो आप लोग देखते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, चलो वो ठीक है, लेकिन कहने का मतलब कि अगर आपको कुछ भी इससे मिलता है तो ये आपका भी फ़र्ज़ है, ड्यूटी है कि आप हमको अप्रिशिएट कीजिए। ऐसे तो बहुत लोग हैं जो अप्रिशिएट कर रहे हैं और हमें मैसेज भी कर रहे हैं और हमारे ऑफिस पे भी आ रहे हैं और कुछ
असामाजिक तत्व भी हैं जो हमारी शॉर्ट्स पे आके और हमारे वीडियोस पे आके थोड़े गलत कमेंट कर रहे हैं। और अगर किसी को भी हमारे काम से कोई भी डाउट है तो आप हमारे ऑफिस पे सीधा विजिट कीजिए। अगर आपके पास सेम प्रॉब्लम है तो हम आपको करके देंगे ना। और कमेंट अगर अच्छी नहीं कर सकते तो ख़राब भी मत कीजिए। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम आपको है, ऐसे लग रहा है कि हम इसमें कुछ एडिट कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो आप हमारे ऑफिस पे आके सीधा, आपके पास सेम प्रॉब्लम है लेके आइए, हम 100% सॉल्व करके देंगे। चाहे वो जैसे हो, हम जितने भी वीडियो बनाते हैं वो सारी हमारे स्टूडेंट्स के सारे, हमारा ट्रेनिंग सेंटर भी है और सारे स्टूडेंट के सामने बनती हैं और बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, ये सब कस्टमर्स के डिवाइस होते हैं, तो हम लोग उसी के ऊपर वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो ऐसे चूतिए लोग हैं जिनको समझ में नहीं आता काम की वैल्यू ना, वो ऐसी गंदी कमेंटें करते हैं आके कि ये फेक है, ये ऐसा है वैसा है। अरे फेक है तो आ जाओ ना आप हमारे ऑफिस पे, हम सामने सामने कर लेंगे। ठीक है, तो आइए फिर से वीडियो पे चलते हैं। तो आपने देखा कि पूरा OS इंस्टॉल हुआ और हम अभी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर रहे हैं। अगर आपको खाली OS इंस्टॉलेशन का ही भी वीडियो चाहिए तो हम वो भी खाली OS इंस्टॉलेशन का भी वीडियो बना देंगे, या DFU में कैसे डालना है, रिकवरी मोड में कैसे डालना है, उस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो हम उस पर डिटेल वीडियो बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज हमें भी तो पता चलना चाहिए कि आपकी डिमांड क्या है, आपको नीड क्या है ना। तो बहुत अच्छा लगा सारी कमेंटें पढ़ के, जितने लोग करते हैं बहुत अच्छा लगता है। बस एक ही चीज़ का बुरा लगता है कि आप लोग वीडियो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो। बट वैसे चैनल ग्रो कर रहा है, अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है। और भी लोग सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा और भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अब हमने इसमें फाइनल सारा सेटअप कर दिया है। अब ये जितना हमने इसके अंदर सेटिंग्स करी है उतना जो है ये इंस्टॉल हो रहा है। और जो रजिस्टर की हमने बात की थी, वो रजिस्टर अभी तक इसीलिए नहीं दिखाया बिकॉज लोग है ना खाली मेन मेथड देख के और वीडियो स्किप करके चले जाते हैं। हम पूरी वीडियो बनाते हैं यार, पूरी वीडियो देखो, स्पीड में देख लो, कोई बात नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ें हैं सारी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो हर चीज़ देखनी चाहिए आप लोगों को। तो जो रजिस्टर मॉडिफाई किया है उसका फ़ोटो मैं आपको लास्ट में दिखाता हूँ। ठीक है, तो अभी इसमें लेटेस्ट OS अपने आप ही इंस्टॉल हो रहा है। हमने कोई भी OS सिलेक्ट नहीं किया कि इसमें मतलब कि कैटलिना होना है या कोई भी जो है वो OS हमने कोई सिलेक्ट नहीं किया। ये जो लेटेस्ट एप्पल दे रहा है वही इंस्टॉल हो रहा है, जैसे कि आईफोन में होता है, जो लेटेस्ट वर्जन होता है ऑटोमेटिक वही सिलेक्ट होता है। तो ऑटोमेटिक एप्पल के सर्वर के थ्रू ही ये फ्लैश हो रहा है और ये बहुत लेंथी प्रोसेस होता है। मिनिमम इसमें कुछ नहीं है तो बहुत फास्ट भी है तो भी 1-2 घंटा लगता है। और हमने एक और चीज़ करी है इसके अंदर हमारी टीम ने, कि हमने जो लैंग्वेज बैरियर है ना वो हटा दिया है। तो अगर किसी को भी दूसरी लैंग्वेज में भी ये सबटाइटल होना है तो खाली आप CC पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे आपको सारी लैंग्वेजों का ऑप्शन मिल जाएगा। मतलब जितनी भी पॉपुलर लैंग्वेज हैं वो हम सारी ऐड करते हैं, मिनिमम 10-15-20 लैंग्वेज तक भी हम लोग ऐड करते हैं इसके अंदर, है ना। तो आप लोग, लैंग्वेज बैरियर भी हमने यहाँ पे हटाया हुआ है तो आप उसको अभी थोड़ा यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब फाइनल एकदम सब कुछ हो चुका है और ये फाइनल सेटअप है, मतलब जो यूज़र का सेटअप होता है ना ये वो सेटअप है। अभी यहाँ पे फिर से हमें वाईफाई एंटर करना पड़ता है बिकॉज OS होने के बाद जो मशीन है वो वाईफाई का पासवर्ड भूल जाती है, जो कि हमने पहले डाला था। अगर यहाँ पे आपको कुछ एप्पल आईडी डालनी है वो डाल सकते हो। देखो सारा अकाउंट फिर से क्रिएट हो रहा है, कोई भी लॉक वगैरह नहीं मांग रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि जो मशीन है वो अनलॉक हो चुकी है, जो मैकबुक है वो अनलॉक हो चुका है। तो जैसे आपकी स्क्रीन पे है ये वही रजिस्टर है जिसकी बात की गई थी। और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको पूरा डेटा दे देंगे, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। प्यारी समझ गई। ये इसका फाइनल प्रोसेस है और सब कुछ हो चुका है ऑलरेडी, कुछ भी नहीं बचा है अब इसमें। जो है ये सब कि जो सब कुछ है ये ऑनलाइन ही लेगा, बस हमें अपनी अपनी क्या है, जैसे सीरी इनेबल कराना है, टच आईडी इनेबल कराना है, डार्क मोड रखना है, लाइट मोड रखना है, ये सारी सिलेक्शन है। ये तो नॉर्मल सा ही है, मतलब आपको अपनी नीड के हिसाब से इसको करना होता है। ठीक है, और ये हमने सारा सेटअप कर दिया और अब हमारा मेनू आ जाएगा जो है वो।